हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लेसन 1 शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। संप्रेषण भी डिस्कस कर चुके हैं, शिक्षण के सिद्धांत, ये तीनों चैप्टर हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपने ये तीनों चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट में इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और हर बारी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षण के सूत्र कितने हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि शिक्षण के सूत्र कितने हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं आपका शिक्षण का सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षण सूत्र है क्या, इसकी परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका जो मोटिव है शिक्षण सूत्र का, कि ताकि अच्छे से और बहुत ही मतलब आसानी के साथ समझ में आ जाए, इसलिए शिक्षण सूत्र का यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें आप सभी को क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको प्रमुख शिक्षण बिंदु, यानी सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या होती है। अगला पॉइंट कि शिक्षण के विभिन्न सूत्र क्या हैं और शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता क्या है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण का जो शिक्षण सूत्र है इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि छात्रों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई सिखाई जाए वे उसे भली भांति सीख व समझ ले। उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना तथा कक्षा विषय में शिक्षण में उनकी रुचि व ध्यान प्राप्त करना अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। और शिक्षक की कुशलता शिक्षण विधियों सिद्धांतों शिक्षण सूत्रों छात्रों की क्षमताओं के समुचित ज्ञान पर निर्भर है। इनकी जानकारी व समुचित प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण तथा सीखने की क्रियाओं को प्रभावी बना सके। अगर हम सिंपल साधारण भाषा में कहें तो यहाँ जो शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि जो शिक्षक चाहता है कि हर एक स्टूडेंट का जो भी एम्स है, लक्ष्य है, वो उसको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो कई सारी ऐसे शिक्षण विधियाँ को अपनाता है। और वो इसलिए अपनाता है क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ाए उनको बहुत ही आसानी के साथ भली भांति समझ ले, सीख ले और मतलब वो एक अस्थाई रहे, ठीक है। और उनको जो भी शिक्षक है उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी बालक है उनको किस क्षेत्र में रुचि है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, ठीक। अब देखिए चर्चा के बिंदु कि कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक के सामने क्यों समस्याएं आती है और शिक्षण में आने वाली समस्याओं को वह कैसे दूर कर सकता है। तो यही कि वो शिक्षण सूत्र को अगर वो अपनाएगा तो उसे विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं आती है वो नहीं आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं अब शिक्षण सूत्र का अर्थ। तो देखिए
सबसे पहले तो यहाँ ये पॉइंट्स कि कक्षा कक्ष में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षक कब और किस क्रम में किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहां पर किया जाए। ठीक, तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका निवारण आप शिक्षण सूत्र के माध्यम से कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ कह रहा है कि शिक्षण की उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि शिक्षण सूत्र का मतलब क्या होता है। तो शिक्षण सूत्र का अभिप्राय यही होता है कि शिक्षक के सामने जो कुछ भी परेशानियां आती है, आप देख सकते हो इतने सारे मन में सवाल आते हैं, तो इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव और विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित है, अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। किस सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान पर और कैसे करना है ताकि उसके छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। तो इसका जो मोटिव यही है कि शिक्षक को अगर शिक्षण सूत्र के बारे में पता भी चलता है तो उसको सबसे पहले तो शिक्षण सूत्र के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कब वो कौन सा किस टॉपिक पे वो बात डिस्कस कर रहा है, उसी के अनुसार शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाता है। तो कौन मनोवैज्ञानिक है, तो कामेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब देखिए जो ये है शिक्षण सूत्र की परिभाषा राइटर्स के अनुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला तो आपका जो शिक्षण सूत्र यानी स्टेटमेंट है रिलेटेड शिक्षण सूत्र से, वो है रेमंड के अनुसार। इन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, तो देखिए इन्होंने जो बोला है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं यानी मार्गदर्शक बनते हैं। क्या, तो शिक्षण सूत्र जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यानी शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत यानी इस सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कि जो सूत्र है एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं और विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण सूत्र की परिभाषा पहला यही रेमंड के अनुसार इन्होंने बोला है कि जो शिक्षण सूत्र है ये एक मार्गदर्शन यानी पथ प्रदर्शन करता है, और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अनुसार इसमें ये बोला गया है कि जो सूत्र है ये मतलब बहुत ही अनुभव और विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, ये जो सूत्र है अध्यापक को सुचारू रूप से कि वो शिक्षण दे सके, ठीक है, उसके सामने कोई भी समस्या है तो उसका जो भी समस्या है उसको आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, और सबसे मेन महत्वपूर्ण होता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में जो भी पठन पाठन की क्रिया है उसको आसान किया जा सके। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर इस शिक्षण सूत्र को बनाया गया है। हमने दो
राइटर्स के अनुसार या डिक्शनरी के अनुसार हमने जाना। अब देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए एवं छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक तथा क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकें एवं विधियां प्रयोग में लाई जाती है वह शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अगर हम सिंपल, अगर बहुत ही कम शब्दों में आप सभी को बताएं कि शिक्षण सूत्र क्या होता है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपका स्टूडेंट है, ठीक है, और ये आपका शिक्षक है, ठीक है, ये आपका शिक्षक है। तो अगर ये कुछ भी अगर इसके मान लीजिए ये छात्र है और ये शिक्षक है, तो छात्र के पास तो पहले ही कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो प्रारंभिक क्लास में जाता है, और अगर शिक्षक के पास भी इसके जो भी समस्याएं हैं इसको दूर करने के लिए कोई भी हल ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही अपना अनुभव विचार प्रस्तुत किए और उन जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, ताकि जो भी शिक्षक पढ़ाए और छात्रों को रुचि आए, इसके लिए उन्होंने शिक्षण सूत्र बनाए। और इसमें ये जो शिक्षण सूत्र है इसमें यही बोला गया है कि आप किस तरीके से और कौन सी परिस्थिति में आप इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो बालक आसानी के साथ समझ लेगा और आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। तो इसलिए शिक्षण सूत्र बनाया गया और इसे ही हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। अब देखिए कि वो विभिन्न शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो वैसे अगर हम बताएं कि जो आपका शिक्षण सूत्रों की संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा, जो शिक्षण सूत्र होता है वो 11 होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले हम पूर्ण जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो शिक्षण सूत्र होता है, सबसे फर्स्ट होता है सरल से जटिल की ओर, सेकंड होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फोर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर, फिफ्थ होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सिक्स्थ होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सेवन होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, एट होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नाइन होता है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, 10 होता है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, एंड लास्ट होता है 11 नंबर प्रकृति का अनुसरण। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि इन शिक्षण सूत्र में आप सभी को फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण में शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है सरल से जटिल की ओर, ठीक है। तो इस सूत्र का जो आशय है यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूलन व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि जब बच्चा का आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो वे उसे समझने में असमर्थ होंगे, इससे शिक्षक का प्रयास जो होगा वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट या कुछ भी अगर आप कोई भी वर्क करना चाहते हो तो सबसे पहले तो सिंपल, सबसे पहले आपने देखा भी होगा जो आपका सिलेबस भी बनाया जाता है या चैप्टर भी दिया जाता है, सबसे पहले तो सिंपल दिया जाता है, बहुत ही इजी, उसके बाद धीरे 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 हार्ड आता है। लेकिन अगर जब आप बहुत ही आसानी के साथ उनको बहुत ही मतलब साधारण तरीके से सिंपल तरीके से समझाएंगे या बहुत ईजी, तो वो जो हार्ड रहेगा उसको भी बाद में जाकर बहुत ही आसानी के साथ समझ लेंगे। लेकिन एकाएक आप शुरू में ही हार्ड यानी जटिल बातें, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए जटिल है तो जटिल मतलब क्या होता है, कठिन,
ठीक। तो अगर आप उनके सामने जटिल बोलेंगे तो वो जटिल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उन्हें बोलेंगे कि ये भारी है तो वो समझ जाएंगे कि ये बहुत भारी है और ये बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आपको मतलब जितना हो सके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले बात करना चाहिए, या वो कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। तो ये आपका होता है सरल से जटिल की ओर। और शिक्षक सदैव ध्यान रखे कि हमारा कार्य और हमारे पाठ और हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होने चाहिए, ठीक है। और अर्थात सरल या कठिन बालकों की दृष्टि से होना चाहिए, न कि शिक्षक के अनुसार, यानी बालक केंद्रित होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। अभी ये तो एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, किसी मतलब बालक को इंग्लिश सिखाना है, ठीक है, इंग्लिश सिखाना है, तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस तो नहीं रखोगे या फिर वर्ड सीधे तो नहीं रखेंगे, सबसे पहले तो आप लेटर यानी ई बी सी डी ये सिखाएंगे कि ए किस तरीके से बनता है, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आसान यानी सरल, उसके बाद आपको कठिन की तरफ प्रस्थान करना है, ठीक है। दूसरा कि हमारे देश का इतिहास छोटे छोटे कहानियों के रूप में बच्चों को सरल प्रतीत होगा, परंतु युद्धों, घटनाओं, संधियों व शासन प्रबंध के विस्तृत रूप में यह अत्यंत कठिन लगेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो इतिहास है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यही बताया गया कि इतिहास क्या है, ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, तो सबसे पहले तो आप ये, उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें युद्ध सब कुछ दिया गया है। तो यही है कि सरल से कठिन की ओर। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात उसे पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता है, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होते हैं और किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए, ठीक है, यानी उनको जो कुछ भी पहले से पता है उसे से रिलेट करके आप फिर अपना जो भी सिलेबस है उसके बारे में बता सकते हैं। ध्यान रखें, जिस बात को हम जानते हैं वो हमारे लिए सरल है और जिस बात को हम नहीं जानते हैं वो बात हमारे लिए कठिन होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि भाषा शिक्षण में वर्ड मालक की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ड से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, ठीक है। आपने देखा भी होगा शुरू में क से क्या होता है कौवा, ख से क्या होता है खरगोश, ग से गमला, तो इस तरीके से पहले बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको पहले पता होता है, उन्होंने कौवा देखा होगा तो उससे रिलेट करके वो क को याद कर सकते हैं, ठीक है। घ से घड़ी, तो घड़ी उनको पता है घड़ी क्या होता है, तो घ अब जब बताएंगे तो उनको आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ड से संबंधित वस्तु की जानकारी कराए और तत्पश्चात यानी उसके बाद उसी वर्ड से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है। आप देख सकते हो क से कमल, ठीक है, कमल कलश कबूतर, ख से खरगोश, ठीक है, खत खड़ाऊ, ये सभी मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। उसी प्रकार अगर गणित में पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए तभी वो पहाड़ा बहुत ही आसानी के साथ सीख सकेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में ये मतलब अगर आ जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर तो आप डिफिनेशन तो लिखोगे ही, साथ में आप एक से दो उदाहरण जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हो कि बच्चों को पहले कठिन विषय वस्तु सिखाया जाना चाहिए या सरल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि पहले सरल उसके बाद कठिन। सीखने या सिखाने में बच्चों के पूर्व अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों? तो इसलिए क्योंकि उन्हें जब आप पूर्व अनुभव से रिलेटेड कुछ बात करेंगे तो आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे तो फिर उनको रुचि आएगी, लेकिन अगर आप उनको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ज बोल दोगे, ठीक है, ज
क्योंकि वो छोटे से बच्चे होते हैं, उनको जौ मालूम नहीं होता है क्या, तो फिर आप जौ से बताएंगे जहाज होता है या फिर जल होता है, ठीक है, या फिर आप खाने वाला जीरा बताएंगे, तो इससे रिलेट करके वो समझ जाएंगे कि जो जौ से इतने सारे वर्ड या शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हम बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। सबसे पहले तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, ये हम देख लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका जो अंत होने चाहिए वो सूक्ष्म बातों से हो, ठीक है। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो भी हम पाठ्य वस्तु शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला जो उसका शुरुआत है वो स्थूल वस्तुओं से होना चाहिए, बाद में सूक्ष्म बातों पर। इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मूर्त मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को देखकर, और अमूर्त मतलब होता है कि हमें जो कुछ भी वस्तु नहीं दिखता है, यानी एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो आपका जो प्रत्यक्ष होता है वो मूर्त होता है, और अप्रत्यक्ष यानी जो हमें नहीं दिखता उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो आप सभी को आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि जो आपका स्थूल और सूक्ष्म है ये सूत्र, इसको हम मूर्त और अमूर्त के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है वो कौन सा सूत्र है जिसको मूर्त और अमूर्त के नाम से भी जाना जाता है, तो वो सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर है क्या, ठीक है। तो आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है, ठीक है, और शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त यानी सूक्ष्म और अमूर्त यानी जो नहीं दिखता है, ठीक है, वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु उस स्थूल यानी मूर्त जिसको वो देखता है उसके बारे में वो जान लेता है। जैसे कि मान लीजिए वो हमेशा अगर पानी बोला जाएगा तो वो पानी को जानता है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए बंदूक, ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए बंदूक सीधे उसके सामने बोलेंगे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी, स्थूल है यानी स्थूल कह रही हूँ, सूक्ष्म है, अमूर्त है, उसके बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद पानी की बात करेंगे तो पानी के बारे में वो जानता है, बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखा है, क्योंकि मूर्त रूप से। तो इसलिए यहाँ यही कह रहा है कि शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, स्थूल और मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, उनके सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए, ठीक है। यानी आप देखते भी होंगे, इसीलिए टीएलएम का या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट का दिखाकर डेस्टर अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप डेस्टर दिखाएंगे कि ये है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अगर मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो उसे आसानी से समझ सकेगा, फिर आप बाद में सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में जानकारी दे सकते हो। तो ये है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर आप गेंद और गोली, कंकड़ आदि को दिखा के अगर आप उनको बताएंगे तो वो बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं, और अगर आप वैसे ही बताएंगे 1 2 3 तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको इस तरीके से ये कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। उसके बाद है भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाबों, कुओं आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रदर्शन यानी भ्रमण का या फिर मॉडल, चित्र, चार्ट आदि के माध्यम से सरलता पूर्वक कराया जा सकता है, जिसको आसानी के साथ वो समझ सकते हैं। अगला आपका जो सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर। ये सूत्र क्या है इसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है, ठीक है। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद कौन सा शिक्षण सूत्र है, तो वो है पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता व समझता है, उसके विभिन्न अंगों, अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं। शिक्षकों
उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, जैसे कि यहाँ मैं एक पेड़ बना रही हूँ, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक, ये आपका पेड़ हो गया। तो ये तो अगर आप यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, तो ये थोड़ी ना कहता है कि ये इसका जड़ है, ये इसका तना है, ये इसका डाली है, ये इसका फूल है, यहाँ पे मतलब फ्रूट है। तो सबसे पहले तो ये यही बोलेगा कि ये एक पेड़ है, तो ये पूरा पेड़ के बारे में वो जानकारी देता है। फिर जो भी शिक्षक होता है वो पूरा बहुत ही पार्ट वाइज अलग अलग करके कि ये जड़ होता है, ये तना होता है, ठीक है, तनों से यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो इस तरीके से पूरा जो शिक्षक होता है वो समझाता है। तो इस ये जो सूत्र है ये है पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। अब ये देखिए, यह सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है, जिसमें पहले संपूर्ण कविता का पाठ करना उचित होता है, तत्पश्चात एक एक पंक्ति, क्योंकि प्रारंभ में एक एक पंक्ति पढ़ाने से कविता की जो मूल भावना बच्चों को समझ में नहीं आती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर और फिर उसके भागों जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराना जाना चाहिए। भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर जितने भी राज्य हैं उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो पूर्ण जानकारी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये होता है पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि स्वयं करने की बारी, यानी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय से ऐसे प्रकरणों की पहचान करें जिनमें स्थूल से सूक्ष्म और पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए अगला जो आपका है वो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये है क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो बालकों को बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, ठीक है, यानी मानसिक विकास, ज्ञान इंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में अस्पष्टता व निश्चित आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का अस्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव और परिपक्वता के कमी के कारण व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि उन्हें अनिश्चित ज्ञान को अस्पष्ट व निश्चित करें तथा गलत धारणाओं की जानकारियों में सुधार करें, ठीक है। यानी सिंपल यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई घटना होता है, ठीक है, कोई घटना होता है या फिर कोई भी वस्तु होता है, तो उनके मतलब उनके बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है क्योंकि परिपक्व नहीं होते हैं। फिर उनके मन में क्या होता है, बहुत सारे विचार बनते हैं, ठीक है, और ऐसे कुछ विचार बना लेते हैं जो कि अनिश्चित होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी उनके जो भी गलत कर रहे हैं या जो कुछ भी समझ रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसमें सुधार लेनी चाहिए, फिर निश्चित की ओर जाना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी देश प्रदेश प्रमुख असल व वहाँ की विशेषताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व निश्चित अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र और चित्र मॉडल चार्ट व उदाहरणों के माध्यम से निश्चित व अस्पष्ट कर सकता है। यानी उनको लगता है जो कि जो बालक होता है वो उसके बारे में सोच तो लेता है लेकिन वो पूरा कन्फर्म नहीं होता है, वो बस ऐसे ही सोच लेता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो शिक्षक का यही दायित्व बनता है कि वो उसका जो भी वो सोच रहा है उसके बारे में जाने और उसके बारे में एकदम निश्चित रूप से उसको स्पष्ट तरीके से बताए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना, हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।